वाहे गुरु, वाहे गुरु जीओ, वाहे गुरु, वाहे गुरु गुरु गरीब निवाज, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा, ज्यों जल तरंग उठे बहु भांति, फिर सलल सलल मिलाएदा, हर हर जन दुई एक है, बिब विचार कछ नाहि, जलते उपज तरंग ज्यों, जल ही बिखै समाहि। कबीर, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझ को सौंपते, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे मेरा। कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू, मन में चितवो चितवनी, उद्यम करो उठनीत, हर कीर्तन का आहरो, हर कीर्तन का आहरो, हर देहो नानक के मीत, आनंद गुणी निदान, गुरु गरीब निवाज, गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, खाक संतन की देहो प्यारे, खाक संतन की देहो प्यारे, खाक
ठाक संतन की देहो प्यारे खाक संतन की देहो प्यारे आए पया हर तेरे द्वारे आए पया हर तेरे द्वारे खाक संतन की देहो प्यारे खाक संतन की देहो प्यारे आए पया देहो प्यारे खाक संतन की देहो प्यारे कहया करना दिता लेना गरीबाया नाथा तेरा माना कहया करना दिता लेना गरीबा अनाथा तेरा माना सब किछ तू है मेरे प्यारे तेरी कुदरत को बल जाई जियो सब किछ तू है मेरे प्यारे तेरी कुदरत को बल जाई जियो तेरी कुदरत को बल जाई जियो तेरी कुदरत को बल जाई जियो खाक संतन की देहो प्यारे खाक संतन की देहो प्यारे आए पया हर तेरे द्वारे आए पया हर तेरे द्वारे खाक संतन की देहो प्यारे खाक संतन की देहो प्यारे पाने उजड़ पाने राहा पाने हर गुण गुरमुख गावाहा पाने उजड़ पाने राहा पाने हर गुण गुरमुख गावा पाने परम पवै बहुजूनी सब किछ तिसे रजाई जियो सब किछ तिसे रजाई जियो पाक संग
संतन की संतन की हो प्यारे खाक संतन की देहो प्यारे आए पया हर तेरे द्वारे आए पया हर तेरे द्वारे खाक संतन की देहो प्यारे देहो प्यारे खाक संतन की देहो प्यारे वाहेगुरु जी हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई
हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। प्रणवत नानक तारे सोए, प्रणवत नानक तारे सोए। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। अंतर वसे ना बाहर जाए, अंतर वसे ना बाहर जाए। अमृत छोड़ काहे बिख खाए, अमृत छोड़ काहे बिख खाए। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे। हो बहु जाकर साचे के रे, हो बहु जाकर साचे के रे। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। प्रणवत नान तारे सोए, प्रणवत नानक तारे सोए। हम नहीं चंगे, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। ज्ञान ध्यान सब को ज्ञान ध्यान सब कोई रवे। बांधन बांधे आ सब जग पवे, बांधन बांधे आ सब जग पवे। सेवा करे करे सोचा कर होए। जल थल महियल रव रहिया सोए, जल थल महियल रव रहिया सोए। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई।
चंगे, बुरा नहीं कोई। प्रणवत नानक तारे सोए, प्रणवत नानक तारे सोए, प्रणवत नानक तारे सो। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निवाजी होई साध संगत जीओ, सब तो पहला दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह जी की बख्शिश की हुई फतेह की सांझ पांदिया होया अपने इस जथे नूं प्यार बख्शिश करो, असीसां बख्शिश करो। प्यार दे नाल आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वडभागी हर संगत पावें, भागहीन भ्रम चोटां खावें, बिन भागां सतसंग ना लभै, बिन संगत मैल भरीजै जीव दे। महावाक अनुसार आप जी श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी दे विच महान महापुरुषां दे पावन अस्थान ते संत बाबा उत्तम दास जी की महान याद नूं ताजा करदिआं होइआं सलाना बरसी के संबंध में आप जी कतर होए हो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का ओट आसरा लैके समूह नगर निवासियों ने परसों दरोज तो श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ कराए सन। आदि तो मध्य, मध्य तो संपूर्ण बाणी के भोग पए हैं। उपरंत कलयुग मह कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना के महावाक अनुसार आप जी कीर्तन च जुड़ करके साहब जी दीआं बख्शिशां प्राप्त कर रहे हो। सचे पातशाह जी ने मेहरामत की है, बख्शिश की है, अपनी गोद विच बैठने का सुभाग समा सानू बख्शिश किया है। हर जस कीर्तन दे विच आप जी ने तीन शब्दों का कीर्तन सरवण किया, खाक संतन की देहु प्यारे आए पया हर तेरे द्वारे। दूसरा शब्द मन अपने ते बुरा मिटाना पेखै सकल श्रेष्ठ साजना, सुख दुख जन सम दृष्टिता नानक पाप पुन नहीं लेपा। अते चल रहा शब्द जो साहब जी की पावन बाणी का शब्द धन गुरु नानक देव महाराज जी की पावन रसना तो प्रकाश होया शब्द है, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सो। सचे पातशाह जी की बाणी साढ़े जीवन का बहुत वड्डा आधार है, बहुत वड्डा आसरा है। मैं गुरबाणी आधार है गुरबाणी लाग रहा हूं, धन गुरु रामदास महाराज जी कहते हैं। गुरबाणी का आधार गुरसिख के वास्ते सब तो उपर है। आधार का अर्थ होता है आसरा। गुरबाणी का आसरा सबना गुरसिखा के वास्ते बहुत वड्डी वडमुली दात है। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी इस वेले कलयुग के तारनहार, इन्हों तो वड्डी कोई ताकत नहीं है। सतगुरु जी नूं वड्डा करके जानना चाहिए। सतगुरु जी की सिफत बहुत वड्डी है। साडी रसना दे नाल साडी जुबान दे नाल असी महाराज की सिफत नहीं कर सकते, क्यों? जिहवा एक कवन गुण कही है, जुबान एक है ते गल्लां बहुत ज्यादा हैं।
ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਸੀਮਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੋਲ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਘੰਟਾ, ਦੋ ਘੰਟੇ, ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਥਨਾ ਕਥੀਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਕਿਆ ਹੋ ਕਥੀ ਕਥੇ ਕਥ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ, ਅਕਥ ਨਾ ਕਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਥਾਕੜ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸਵਾਏ, ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਹਿਰ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਿਤੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈ, ਜਾਤ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ, ਜਾਤ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੋ, ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਵੋ ਆਧਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਤ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ, ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ, ਮਿਹਰ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੇਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਣ ਦਪਾਈਆਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁੱਠੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਨੌ ਨਦੀਆਂ, 18 ਸਿੱਧੀਆਂ, 12 ਰਿੱਧੀਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ, ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਏਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿੱਠਿਆਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਹੋ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵਡ ਚੀੜਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਡੂੰਘਾ। ਗੰਭੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਡੂੰਘਾ। ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ।
ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨ ਕੁ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਚੀਰਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰਾ ਚੋਲਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿੱਡਾ ਦੱਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿੱਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਏਕਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਣਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਇਆ, ਗਣਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ, ਕੱਕੇ ਔਂਕੜ ਜਾਂ ਕੱਕੇ ਸਿਹਾਰੀ ਜਾਂ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਇੱਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ? ਸਿਹਾਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਔਂਕੜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਣਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਏਕਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜੀ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ ਕਰਾਸਨ ਜੱਠੋ ਚਾਉ। ਦੂਜੀ ਉਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਭ ਕੋਈ, ਕਰਤਾ ਆਪ ਨਾ ਭੁੱਲੈ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕੋ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਅਕੁੱਲੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਅੰਕਾਰ, ਓਅੰਕਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼, ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਜੋ ਗੁਣ ਤਮੋ ਗੁਣ ਸਤੋ ਗੁਣ, ਇਹ ਜੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਆਧੀ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਦਾ ਚੀਰਾ ਕਿੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਵੱਜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੀਕਾਂ ਵਾਈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲਈਏ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਦਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਕਿੱਡੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਣੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਫਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਬਣੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧੂ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗਣ ਹਾਰੇ, ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਤ ਰਹੋ ਰੇ ਭਾਈ, ਗਾਫਲ ਹੋਏ ਕੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ, ਚੋਰ ਮੁੱਸੇ ਘਰ ਜਾਈ।
तू गाफल हो करके गफलता बेहोश की नींद बेहोशी वाली नींद जिहड़ी हुंदी है कहिंदे ओदा ना सो सुचेत हो जिहड़ा जाग पैंदा उसनू जग्यासू कहा जांदा है जाग पिया जग्यासू जी महापुरशां की संगत करदे हो जग्यासू बंदा फिर कहिंदा जी मैनू उपदेश दिओ पहला जग्यासू बनिया जाता है फिर जग्यासू तो बाद कोई एक अद जे सौ बंदा बैठा है ना सौ जग्यासू बैठे है उन्हां विच्चों एक एक अद किते साधु बनता है साधना करता है साधु किवें बनना है नौ दरवाजे साध साध कहाया आखो सतनाम श्री वाहिगुरु ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी ओ उन्हां दे विचार हर वेले सोशल मीडिया ते चलदे कहिंदे अपनी गर्दन दे उपर उपर ना सत दरवाजे हन गर्दन दे उपर उपर दो अखां दो कन दो नासका एक मूँह इन्हां दरवाजिआं नूं साध लिया ते सिर्फ ते सिर्फ ते बंदा साधु बनना शुरू हो जांदा है की खाणा है की सुनना है की देखना है की सूंघना है की बोलना है जो बंदा इन्हां ते कंट्रोल करना शुरू हो गया मतलब कि वह जाग पिया जागण तो बाद वह साधु बनना शुरू हो गया फिर विषय विकारां ते कंट्रोल करना हजार बंदा बैठा होवे उहदे विचों कितें एक अद्धा जग्यासू हुंदा जिहड़ा जाग पिया जागण तो बाद कोई एक अद्ध विरला हुंदा जिहड़ा साधु बन गया साधना करन लग पिया चंगी संगत च बैठना माड़ी संगत च नहीं बैठना चंगे पुरशां की संगत करनी है माड़ियां की नहीं शराबियां की संगत नहीं करनी नशेड़ियां की संगत नहीं करनी क्लबां विच जाण वालियां की गल नहीं करनी उन्हां दे नाल संगत नहीं करनी संगत करनी है जिहड़े सतसंगत च जांदे हन उन्हां दी संगत करनी है क्यों उन्हां दी संगत क्यों नहीं करनी जो भी रिश्तेदार हुंदे हन भैण भरा हुंदे हन सानूं जाना पैंदा है सोसाइटियां देखणियां पैंदियां महाराज जी कहिंदे जाई जाओ पर रंग लागत 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 है एक दिन रंग लग जाएगा तुहानूं उन्हां दा जरूर असर करेगी उन्हां दी संगत तुहाडे ते एक दिन वह दूर नहीं जदों शराबी की संगत करदिआं करदिआं शराब पीणी शुरू हो जाए बीबियां कहणगे सानूं थोड़े असर होना कोई माफ कर देना बीबियां भी शराब पीदियां अज्ज दे कहिंदे मॉडर्न जमाना हो गया जमाना मॉडर्न है सिगरटां बीड़ियां बीबियां भी पीदियां हन बाहरले देशों में शुक्र है असीं पंजाब की धरती इत्थे गुरुआं पीरां का पहरा है साडा कल्चर थोड़ा बचिया है वो लोग कहिंदे मॉडर्न जमाना है इहदे नाल कुछ नहीं हुंदा पर जदों मार पैणी दरगाह दे विच उदों इह नहीं देखिया जाणा लिहाज नहीं कीता जाणा कि तूं बंदा कि औरत है उदों बहुत सजावां मिलदियां मलपक खाने खाण वाले गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी कहिंदे हन कि भाई जग्यासू तो बाद साधु बनना साधु तो बाद फिर अंदर सत दे नाल प्यार पैंदा है सच्चियां चीज़ां दे नाल सच्ची चीज़ कहड़ी है सच्चा नाम सच्ची बाणी सच्चे गुरां दी सेवा हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोई जी सेवा करनी है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संगत करनी है संगत की सेवा करनी है जे किसी दुनियावी बंदे की सेवा करेंगे कोई झूठे साध की सेवा करांगे कोई किसी पखंडी की सेवा करें करांगे ना हर की सेवा ते मनो चंदिया फल पाईए हरि की सेवा करन दे नाल गुरु साहिब की सेवा करन दे नाल मन चंदिया फल प्राप्त हुंदा है पर दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी आखो सतनाम श्री वाहिगुरु दूजियां दी घटिया लोकां दी सेवा करन दे नाल जन्म बिरथ जांदा है सच्चे पातशाह जी कहिंदे फिर अंदर सत जदों आंदा है ना फिर निमरता आंदी है फिर त्याग आ जांदा है फिर बंदा जिन्हां चीज़ां पिछे भजदा सी ना आह भी मिल जाए वह भी मिल जाए आह भी मैनूं प्राप्त हो जाए आह ना कितें मेरे तों छुट जाए फिर उहदा त्याग होना शुरू हो जांदा है छड्डो परे झूठियां चीज़ां फिर वो कहिंदा कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हार कूड़ काया कूड़ कपड़ रूप कूड़ रूप अपार कूड़ मियाँ कूड़ बीबी इत्थे बीबी नहीं कहना कूड़ मियाँ कूड़ बीबी नहीं है बीबी माँ का ना माँ नूं कहा जांदा है मुसलमान धर्म दे विच ओह बीबी कहिंदे हन पत्नी नूं कूड़ मियाँ पति नूं कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार किस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माखे कूड़ डोबे पूर नानक वखाणा बेनती तू दबाज कूड़ो सच्चे पातशाह जी कहिंदे ओह संत बन जांदा है जिहदे अंदर सत दे नाल प्यार अते झूठियां चीज़ां दे नाल त्याग करना शुरू कर दिंदा है ते निम्रता आ जाती है
उस तो बाद फिर उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होंगी है, फिर उसको ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। अजकल कोई साधु बनया नहीं, कोई लंबा सारा चोला संभालिया उसने, नाल चेले चाटड़े रख ले, साधु नहीं बनया, संत नहीं बनया, ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनया। 108वीं शडात आ कहिंदे 108वीं नहीं लिखना, हुण 1008 लिखदे हन। वो कौन लिखदा कि तू डिग्री थोड़े प्राप्त की है, जिन्हां ने बंदगी की है उन्हां बारे तो पता है कि ये उच्च कोटी दे, पर वो कहिंदे ने सानू मन्नो। जिहड़ा साधु है ना जिहदे कोल खजाना है कोई, तो वह कहिंदा मेरे कोई भी ना आवे, मैं कल्ला रहां। तो जिहड़े कोल कुछ भी नहीं है कहिंदा लोकी सारे मेरे कोल मैनूं चढ़ावा चढ़ा, मेरे को लोकी मत्था टेकण आ, ताही मेरी पूजा होवेगी। ये निशानी है भरियां दी ते खालियां दी। जिहड़े भरे हुंदे हन उन्हां दी की निशानी है, जिहड़े खाली हुंदे हन उन्हां दी की निशानी है। महापुरशां नूं अज कौन जय जयकार करदा है। एक बोर्ड का दरख्त बहुत वड्डा हुंदा, जिन्ना उच्चा हुंदा ना, जिन्ना बाहर हुंदा धरती तो, उहदियां जड़ां बहुत डूंघियां हुंदियां, दूर तक जड़ां हुंदियां हन। उसनू माड़ी मोटी हनेरी वड्डे चक्कड़ उसनू डुला नहीं सकदे। ते एक बंदा कवे कि ऐ बोर्ड दे दाने, बोर्ड दा बीज जिहड़ा है ना, हुण तैनू बीज दीए तू बन जावेंगा बोर्ड, वह कवे नहीं मैं नहीं बन सकता। तो महाराज तो सानू सारे नूं कहिंदे कि भाई तुसीं साधु बनो, सारे साधु बनो, साधना करो, संत बनो, निम्रता धारण करो, प्यार दे नाल बोलो। भाई गुरदास जी कहिंदे हन कि जिन्हां महापुरशां ने, जिन्हां रब दे प्यार ने बंदगी की है ना, उन्हां दे कोल इक्को ही गुण सी, ओह सी निम्रता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। निम्रता दा गुण उन्हां दे कोल सी, उस करके उन्हां ने ओ मुकाम हासिल कर लिया, वह मरतबा हासिल कर लिया, जिस मरतबे नूं लोक शाहूकार पैसा बहाते ने, लोग साढ़े ते झुकन, साढ़े अगे लीडर लोग पैसा बहाते नदी दे वांगू कि लोग साढ़े वल झुकन, साढ़े बन। पर वह जिहड़े रब दे प्यारे ना पैसा बहाते, ना लोगों नूं करामातां दिखाते, वह सिर्फ ते सिर्फ रब की बंदगी करते, निम्रता दे नाल सारिआं नूं अपना बना लैंदे। वो जित के हार ना ते हार के जितना दा उन्हां नूं सबक आउंदा है, कित्थे जितना है कित्थे हारना। अपने मन नूं जितदे हन, विशे विकारां नूं जितदे हन, अते लोकां दे अगे वो हार पैंदे, भाव के झुक जांदे। हंकारियां दे नाल वो सिर नहीं पसांदे, उन्हां दे नाल बहस नहीं करदे, कहिंदे जितना चिर बहस करनी उन्हां चिर मैं नाम जपी जावां, मैं अपना काम करी जाना। भाई गुरदास जी कहिंदे हन जिन्ना भाओ तिन नाहे भाओ। भाओ दा अर्थ हुंदा प्रेम, ते भाओ दा अर्थ हुंदा डर। जिन्हां ने अपने हिरदे च गुरु दा प्रेम, परमेश्वर दा प्रेम, परमेश्वर दी प्रेमा भगती पाल दी है ना, ते उन्हां नूं किसे दा डर नहीं हुंदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। किसे दा डर नहीं हुंदा उन्हां नूं, इत्थों तक दुनियावी लोकां दा, दुनियावी जानवरां दा, दुनियावी राजियां दा, बादशाहां दा, ते जवां दा डर भी नहीं हुंदा उन्हां नूं। जिन्ना भाओ तिन नाहे भाओ, मुच भाओ अगै, मुच भाओ अगै, मुच दा अर्थ हुंदा बहुत, बहुत डर उन्हां नूं हुंदा है अगे कित्थे दरगाह दे विच नहीं भव्या। जिन्हां नूं परमात्मा का भाव नहीं, परमात्मा का प्रेम नहीं, जिन्हें गुरु का प्रेम नहीं, जिन्हें अंदर जाग गया, संगत की सेवा करन दा प्रेम नहीं जाग गया, कीर्तन सुन का प्रेम नहीं जाग गया, जिन्हें उन्होंने दरगाह के बड़ा डर लगता है। वह बहुत डरते हैं कि बनेगा मेरा हुण, जिन्हें गुनाह किया है उन्होंने डर हुंदा ना कि मैं पकड़िया गया तो मेरे पिछले सारे मेरे केस अगे आ जाने, तो जिहड़ा बेगुनाह है उन्हूं क्या डर। कहिंदा चलो जी पुलिस आई लैण वास्ते, चलो जी मैं चलदा, मैनूं की डर है, मैं कहड़ा गलती कीती है। वह सीना तार तान के तुरदा है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे जिन्ना भाओ तिन नाहे भाओ, मुच भाओ अगै ने भव्या। अग तत्ती जल सी हला, निव चलै सिर करै उताह। अग तत्ती पता क्यों है, अग का सुभा तत्ता क्यों है, वो अपना सिर चुके रख दी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ते भाई गुरदास जी कहिंदे तू सिर चुके रख दी है अग, ता ही तेरा सुभा तत्ता है। ते पानी का सुभा बड़ा निर्मल, पानी नूं निर्मल मन्या जांदा है, पानी नूं पवित्र मन्या जांदा है। कोई बंदा कहिंदा मेरे हाथ धोवाओ जी, आपां कहीए दुध लैके आईए जी, शरबत लैके आईए,
ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਸੁੱਚੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲੇ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨੀਵਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੱਟੋ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਟੋ, ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ। ਅੱਗ ਤੱਤੀ ਜਲ ਸੀਅਲਾ, ਜਲ ਬੜਾ ਸੀਤਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝਦੀ ਹੈ, ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਈ, ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰੇ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਨਿਵ ਚੱਲੈ ਸਿਰ ਕਰੈ ਉਤਾਹ, ਪਾਣੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਅੱਗ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਭਾਅ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਨਿਵ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਭਰ ਡੁੱਬੈ ਖਾਲੀ ਤਰੈ, ਵੱਜ ਨਾ ਵੱਜੈ ਘੜੈ ਜਵਾਹਾ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਘੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ, ਖਾਲੀ ਘੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲੀ ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਡਿੱਗਣੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲਣਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੜਾ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਿਆ ਅਤੇ ਘਿਓ ਵੀ ਡੁੱਲਣਾ, ਜੇ ਖਾਲੀ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ? ਕੁਝ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਰ ਡੁੱਬੈ ਖਾਲੀ ਤਰੈ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਘੜਾ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੈਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਘੜਾ ਤੈਰ ਸਕਦਾ। ਵੱਜ ਨਾ ਵੱਜੈ ਘੜੈ ਜਵਾਹਾ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਖਾਲੀ ਘੜਾ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੋੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਤਬਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਸਾਜੀ, ਕਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਵੀਏ ਘੜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਘੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਉਸਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਅੰਬ ਸੁਫਲ ਫਲ ਝੁਕਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਫਲ ਭਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਝੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਝੁਕਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਝੁਕਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਫਲ ਅਰੰਡ ਨਾ ਨਿਵੈ ਤਲਾਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰੰਡ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਸੰਘਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਨ ਪੰਖੇਰੂ ਧਾਵਦਾ, ਮਨ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪੰਖੇਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੰਛੀ, ਮਨ ਪੰਖੇਰੂ ਧਾਵਦਾ ਸੁਭਾਏ ਜਾਏ ਫਲ ਖਾ। ਕਬੀਰ, ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿੰਦ ਸਜਾਏ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਖਵਾਉਣਾ ਪਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿੰਦ ਸਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਅਤੇ ਮਨ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹ ਫਲ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਨ ਪੰਖੇਰੂ ਧਾਵਦਾ ਸੁਭਾਏ ਜਾਏ ਫਲ ਖਾਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਲ ਖਾਂਦਾ। ਧਰ ਤਾਰਾਜੂ ਤੋਲੀ ਹੈ, ਹੌਲਾ ਭਾਰਾ ਤੋਲ ਤੁਲਾਹਾ, ਤਕੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਚੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਹ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ ਕੰਡੇ। ਤਕੜੀਆਂ ਦੋ ਛਾਬਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਛਾਬਾ ਇੱਕ ਬੱਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਛਾਬਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਤੇਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਲਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ਸਉ ਗਣੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਗਿਣਦਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਭਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ,
बहुत वड्डी हुंदी हन, उन्हां दे अंदर खजाना बड़ा हुंदा है। जिन हार है जिन पैरां उत्ते सीस तराहा, उन्हां नूं पता है कि कित्थे मैं जितना है कित्थे मैं हारना है। गुरु दे अगे हार जांदे हन, संगत दे अगे हार जांदे हन, अते हार करके सारी दुनिया नूं जित लैंदे हन। मुकदी गल ए है कि वह आप परमेशर अते गुरु दे चरणी पै करके, संगत दे चरणी पै करके लोकां नूं अपने प्यारी पैण वाला बना लैंदे हन। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु, सारी दुनिया उहनां दे चरणी पै जांदी है। वाह वाह करे सही जन सोहणे, तिन को प्रजा पूजण आई। सारी प्रजा फिर उन्हां नूं पूजदी है जिन्हां नूं कोई नहीं जाणदा पहलां, फिर बाद विच पता लगदा 10-12 साल बाद कि फलाने साध ने इत्थे बंदगी कीती है। पैरी पै जग पैरी पै, भाई गुरदास जी कहिंदे उन्होंने आप पहला दुनिया के पैरी पै के भाव के पैरी पैना दो तरह का होंदा है। एक बंदा निम्रता विच पैरी पैंदा है, एक जिहड़ा सियासी बंदा हुंदा लोकां दे पैरी जाके बैठ जांदा है, MLA बनना है, मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, फिर तां रेहड़ियां फड़ियां वालिआं दे पैरी जाके बैठ जांदा है। रेहड़ियां फड़ियां वालिआं दे पैरी जाके कि तुहाडे सिर ते मैं जी, तुहाडे सिर ते मैं, तुहाडे तों बिना मेरा कोई आसरा नहीं, मेरा ख्याल रखिओ जी। भला दस्सिओ 5 सालां विच बाद चुके मंत्री गेड़ा मारदा तुहाडे घरां विच? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं जदों मर्जी लैके आओ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु, संगत दे जदों मर्जी चरण पवा लो, गुरु साहिब दे चरणी पईए, गुरु साहिब नूं अपना मंत्री समझिए, सतगुर आगू जाणिए, सतगुरु नूं आगू बनाइए अपना, संगत नूं अगवाई देइए, संगत की सेवा करिए, संगत की चाकरी करिए। हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करे हुना कोए जी, हर की सेवा ते मनो चिंदिया फल पाई है दूजी सेवा जन्म व्यर्था जाए। आपा जन्म व्यर्थ नहीं करना, सफला बनाउणा है, ते ओ किवें होवेगा? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सेवा, संगत की सेवा ते महापुरशां की सेवा तां हो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे हन कि भाई एक पासे जिहड़ा झुक झुक के रब दे प्यारे दुनिया नूं अपने अगे झुका लैंदे हन, ते अपराधी दूणा निवै। आसा दिवाद विच पंक्ति है, अपराधी बंदा जदों शिकारी बंदा किसी जानवर का शिकार करदा ना, हिरन का शिकार करन जांदा शिकारी, तीर कमान चलाउंदा जां बंदूक चलाउंदा ना, बड़ा ही झुक जांदा, लम्मे ही पै जांदा, वह हिरन नूं मत्था नहीं टेकदा, उहदे अंदर कपट है। अपराधी दूना निवै जो हंता मृगा है, सीस निवाए क्या थी जा हृदय कसुदे जा, जा हिरदे विच कपट है ना, कि उहदा चुकिया होया परवाड़ नहीं, झुकना है ना तो गुरु अगे चुकी, झुकना है तो अकाल पुरख अगे चुकी, जिहड़ा सारियां दातां देने वाला बख्शिशां करन वाला है। आओ अगला शब्द सरवण करिए। महाराज जी कहिंदे हन ऐ मेरे मन उन्हां दी ओट लै, उन्हां दी सरण लै जिन्हां ने अपना मन अते तन परमेश्वर नूं भेट कीता है। मन मेरे तिन की ओट ले, तिन की ओट ले, मन मेरे पछाता।
जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्ब ठोक पा दाता सो जन सर्ब ठोक पा दाता तिसकी शरण सर्ब सुख पावे इसकी शरण सर्ब सुख पावे जिसके दर्स सब पाप मिटावे जिसके दर्स सब पाप मिटावे मन मेरे मन मेरे के पूजो सद पैरा मन मेरे दिन की ओट ले मन मेरे दिन की ओट ले मन तन अपना तिन जन दे 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 मन मेरे मन मेरे मन मेरे तिन की ओट ले मन तन अपना तिन जन दे जिन्हां ने उस परमात्मा नूं अपना मन भेट किया तन भेट किया मन तो भेट किया जा सकता ना कि मन नूं प्रभु भगती विच ला लो मन नूं सेवा विच ला लो तन नूं किवें लाइए तन नूं भी गुरु की चाकरी विच लाइए संगत की सेवा विच लाइए तन तां पवित्र हुंदा है तन लगे हथ तन लगे पैर अखां नक कन जुबान इन्हां सारे ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां नूं कम लाइए गुण गावां दिन रैण एतै कम लाए संत जना कै संग होमै रूप जाए
साधुओं की संगत करके होमे का रोग निवृत्त होता है, जिहड़ा साडा सब तो वड्डा दुश्मन है, सब तो वड्डा विकार होमे का रोग है। सतगुरु जी कहते हैं कि उसनों दूर करना है तो रब के प्यारियां दे वांगू नाम जपिए। वाहिगुरु और मंत्र है जप होमे खोई, वाहिगुरु जी के मंत्र का जाप करिए निता प्रति, पांच मिनट तो शुरू करिए, फिर दस मिनट, भी मिनट, अद्धा घंटा, फिर उठद्या बहद्या सौद्या जागद्या गड्डी चलांद्या साइकिल चलांद्या मोटरसाइकिल चलांद्या दुकान ते बैठिया खेतां विच कम करद्या फिर वह सिमरन करिए। तो जदों वह साढ़े जीवन का अंग बन जाएगा ना, साढ़े जीवन की खुराक बन जाएगी वाहिगुरु जी का सिमरन, फिर असं उसको छड्ड ही नहीं सकते। लोग कहिंदे साढ़े कोई जपिया नहीं जाता, साढ़े कोई धंधे नहीं छड्ड हुंदे, पर रब दे प्यारे कहिंदे हन साढ़े को नाम जपिया नहीं छड्डिया जाता, रब दे धंधे करन नूं चेते नहीं करता, दुनियावी धंधियां वल ध्यान ही नहीं जाता, की करिए। यह फर्क है भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आए, यह फर्क है रब के प्यारियां विच साडे विच। असी दुनियावी लोग हाँ, धंधे सानू छड्डदे नहीं, असी धंधियां नूं नहीं छड्डदे। तो महाराज की बाणी कहती है बिन नावें जग कमला फिर गुरमुख नदरी आया। तो गुरमुख संभाल लैंदे अपने जीवन नूं, मनमुखी करदा है, धंधा करतियां निहफल जन्म गवाया, धंधियां दे विच सारा जन्म निहफल गवा लैंदा है। सुखदाता मन ना वसाया, सुखां दे दाते मालक नूं कदे मन विच नहीं वसाया, पर रब दे प्यारियां नूं नानक नाम तिन्हां को मिलिया जिन को धुर लिख पाया। जिन्हां नूं अपना बना लिया परमेश्वर ने, वह कहिंदे हन आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए फरीदा, जे तू मेरा होए रहा है सब जग तेरा होया। सतगुरु जी कृपा करन, बख्शिश करन। एक शब्द आपां गायन करना है जिहदे विच आप सभना संगतां ने हाजरी दवानी है, सिमरन दे नाल वाहिगुरु जी का सिमरन करके आपां ये कीर्तन की समाप्ति करिए जी। साड़ी भी हाजरी महापुरशां दे चरणों च लग जाए, गुरु साहब के चरणों च लग जाए। आओ वाहिगुरु जी के सिमरन च दिव जोड़ करके हाजरी दवाईए। आप जपो अवड़ा नाम जपावो, आप जपो अवड़ा नाम जपावो, आप जपो अवड़ा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो, सुनत कहत रहत गत पावो, आप जपो अवरा नाम जपावो, आप जपो कमल रखो मन माहे, चरण कमल रखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे, जन्म जन्म
आप जपो अवरा नाम जपावो, आप जपो अवरा नाम जपावो। सुनत कहत रहत गत पावो, सुनत कहत रहत गत पावो। सार पूत सत हर को नाम, सार पूत सत हर को नाम। सहज सुभाए नानक गुण गाओ, सहज सुभाए नानक गुण गाओ, नानक गुण जपो अवरा नाम जपावो, आप जपो अवरा नाम जपावो। सुनत कहत रहत गत पावो, सुनत कहत रहत गत पावो, सुनत कहत रहत गत पावो, सुनत कहत रहत गत पावो। वाहिगुरु 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 सारे वाहिगुरु 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 वाहे गुरु। सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण काम। सारे रोगों की दवाई गुरु का नाम है, तो साढ़े गुरु ने नाम कड़ा दिता है वाहेगुरु।
इस नूं जप जप के आपां अपने रोग खत्म करने हन। हौमै दीर्घ रोग है दारू पी समा है, सब तो वड्डा रोग हौमे दा है। ये तां मुकेगा कि सिमरन करांगे, नहीं तां लोकी 20-20 साल हो गए हन दवाइयां खांदे हन, रोग नहीं पिछा छड्डदे। महाराज कहिंदे नाम जप लै दवाइयां छुट जाणगियां, नाम जपण दे नाल ही रोग होवेगा। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। समा वधेरे लग गया, खिमा दे जाचकां जी बहुत बहुत शुक्र अकाल पुरख जी का, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, धन धन बाबा उत्तम दास जी का, जिन्हां दी अस्थान ते पहुँच करके महापुरशां दी असीस प्राप्त हुई है। सारी संगत दा धन्नवाद जिन्हां ने बख्शिशां करके अपने दर्शन दिते हन, सेवा का मौका बख्शिश किया। प्रबंधक वीरां दा धन्नवाद, वीर प्रभदयाल सिंह जिन्हां दे नाल काफ़ी सालों तो प्यार है, जो हुण विदेश गए हन। नीता पिंड विच कोई भी समागम होना, सब तो अगे वीर प्रभदयाल सिंह जी दिखदे सन, ते अज उह विदेश दी धरती ते बैठे हन। सारिआं नूं हक है अपनी कमाई करे, अपने जीवन नूं सैट होवे, सतगुर कृपा करन, उन्हां नूं तरक्कियां बख्शिश करन। वीर कुलवर्ण सिंह ते सरदार करनैल सिंह, हरजीत सिंह जी, सारे प्रबंधक वीरां दा धन्नवाद जिन्हां ने हुक्म ला करके अपनी सेवा दा इत्थे मौका बख्शिश कीता है। सौण वाले वीर जी दा धन्नवाद जिन्हां ने बहुत सुंदर ढंग दे नाल सौण चला करके, क्योंकि रागी जथियां नूं, कीर्तन जथियां नूं, हरेक जथे नूं साउंड वधिया मिले, ते उहदे वर्गी कोई रीस नहीं, ते टिक के सुणन वाली संगत मिले, ते उह सोने ते सुहागा है। आप जी ने बड़े प्यार दे नाल बैठ करके हर जस कीर्तन सरवण कीता है। ये जथा गुरुद्वारा पंज तीर्थ साहब पातशाह छेवीं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का पावन पुत्र स्थान, पिंड दड़ोवा, जिला नवांशहर, जिथे असीं हजूरी रागी वजो सेवा निभा रहे हैं। छेवें पातशाह जी ने बड़ी बख्शिश की है साढ़े जथे के उपर, तो आप संगत दूर दरेडे दर्शन होंगे रेंदे हैं, संगत बड़ा प्यार बख्शिश कर दिया हैं। सारे का धन्नवाद जी, कीर्तन करदे अनेक प्रकार की गलतियां भुला चुका हो गई हैं, अनजाण बच्चे समझ के माफ़ करना। आओ जी समाप्ति का श्लोक पढ़ के उपरंत खिमा दे जाच करदे हैं। वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त, सिर शाह पातशाह ने चल चोर छत। पौड़ी वड्डी वड्डा पर तेरा मर्तबा, रंग बिरंगा ने कंजप करतबा। जिया अंदर जियो सब जानदा, सब शेर वस तेरा करपला। तेरा कारण अंदर बधाई तुद कार, माण महत्ता तेज अपना आप जार। सर्व कला भरपूर दी सहजत कथा, नानक दास नंदास तू दे आगे बिनवता। तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दुई दाई दाया खेलै सगल जगत। चंगियां आईयां बुरियां आईयां वाचे तुम दूर, करमी आपो अपनी ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਭੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਭੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।